किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है मिर्ची के वैज्ञानिक खेती, आधुनिक खेती। किसान भाई हो, आपन जानत हो कि कहावत घलो है, वो कहावत सत्य भी है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करबो, विज्ञान के सहारा लेबो, तो हमार मन के आमदनी यहाँ बढ़िया हुई। और जैसे हम बात करत हन मिर्ची के, तो मिर्ची बिना तो हमार रसोई अधूरा है। मिर्ची है हमार साग में लगते, अचार में लगते, यानी मिर्ची के बिगर हमार रसोई अधूरा है, हमार जायका अधूरा है, हमार खान पान अधूरा है। तो एक स्थिति जब मिर्ची के हमारा खेती करना है तो कौन से वेराइटी लगाना चाहिए, काबर वेराइटी एक बहुत बढ़िया वेराइटी है, अर्ली किस्म है 446 और 285। और जब ये किस्म हमार लगाबो तो ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा उत्पादन देते संगवारी हो, कम जगह में। अब खास कर हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु जेमा जोर से वर्षा घला होते, ठंडी घलो लगते और गर्मी घलो भयंकर पड़ते। और ये गर्मी में आपन देख सकत हो कि कैसे मिर्चा के फसल हा, मिर्चा के खेती करत हन तो लहरावत है, यानी गर्मी के घलो प्रभाव कम हवा। तो हमला अर्ली वेराइटी के ज़रूरत है, और वो अर्ली वेराइटी जब हम लगाबो तो उत्पादन अच्छा कमाबो संगवारी हो। तो एकर सेती आवाओ ये विषय में विस्तृत चर्चा करबो। प्रकृति के विभिन्न रंगों से सराबोर है धान का कटोरा यानी छत्तीसगढ़ राज्य। हरियाली, झरने, नदी, पहाड़, खेत खलिहान का खजाना अगर कहीं देखना हो तो छत्तीसगढ़ दर्शन तो जरूरी है। यहाँ का कृषि जीवन और ग्रामीण परिवेश देखकर ही सुकून मिल जाता है कि खेती बाड़ी करने वाले सामान्य से किसान भाई बहन भी आत्मनिर्भरता से विविध प्रकार के फसलों सहित फल फूल, सब्जियों और मसाले की खेती में मशगूल रहते हैं, जिनमें मिर्च की आधुनिक खेती देखने लायक है। इसकी खेती अब न केवल पारंपरिक शैली बल्कि वैज्ञानिक तरीके से भी की जाने लगी है, और ये कार्य सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में चल रहा है। मिर्ची 446 जो बहुत अर्ली है, काफ़ी अच्छा उसका फल की क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उत्पादन है, और वो वायरस और आजकल की जो खास रोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सेंसील है। और उसके साथ ही एक और मिर्ची की वेराइटी है 285, वो काफ़ी अच्छी है, वो हरे में भी अच्छी बिकती है, और उसका जो लाल सुखाने के बाद जो लाल मिर्ची होता है वो भी बहुत अच्छा है। उसी के साथ एक और मिर्ची की वैरायटी है 357, उसमें ज़मीन से जुड़ी हुई बीमारी जो विल्ट बोलते हैं, जिसको उखड़ा बोलते हैं, उसके लिए भी उसमें बहुत अच्छा सेंसील है। और ये सभी मिर्ची आपके अर्ली है काफ़ी, ताकि जिससे आपको मार्केट में मिर्ची का अच्छा पैसा मिले, उससे आपकी आमदनी बढ़े और आपका जीवन खुशहाल हो। छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न प्रदेशों में बड़े पैमाने पर मसालों की खेती की जा रही है, जिसके कारण पूरे विश्व में भारत देश सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। मसालों में मिर्च का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मिर्च की खेती की जाती है। प्रदेश में हरी मिर्च के उत्पादन के साथ इसका उपभोग भी किया जाता है। मिर्च को अद्भुत मसाला फसल के रूप में भी जाना जाता है। हर घर में मसालों के बीच लाल मिर्च पाउडर तो दिख ही जाएगा, भले उस घर में लोग तीखा ना खाते हों, तो वहीं हरी मिर्च विभिन्न व्यंजनों में उपयोग की जाती है। हर जगह मिर्च की मांग बनी रहती है, इसीलिए ये फायदे की खेती है। पूरे विश्व में मिर्च के रंग, आकार, तीखेपन और उपयोग के आधार पर भिन्नता वाली लगभग 400 किस्में विद्यमान हैं, और भारत में भी मिर्च के रंग, आकार, तीखेपन और उपयोग के आधार पर 50 से भी अधिक किस्में हैं। किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, चाहे वो मुरम जमीन हो, चाहे काली जमीन हो, चाहे कैसी भी जमीन हो, उसको हमको सबसे पहले जुताई अच्छी करनी है, उसमें अच्छे से गोबर खाद मिलाना है, और उसके बाद अच्छे से बेड तैयार करके उसके बेड के ऊपर मांदा बना के मांदे पे मल्चिंग सीट लगाना है। और मिर्ची में जहाँ मल्चिंग सीट लगाते हैं वहाँ पौधे से पौधे की दूरी हम जनरली जो है 1 से 1.5 फीट रखते हैं, जिससे कि पौधे को अच्छी जगह मिलता है, स्पेस मिलता है और पौधा अच्छा फलता है। उसके बाद
जब भी अपन मिर्ची लगाते हैं तो पहले कोशिश करें कि हम लोग उसकी पौध अच्छी तैयार करें, नर्सरी अच्छी बनाएं, ताकि यदि बच्चा अच्छा रहेगा तभी आगे जाके वो अच्छा बनेगा। तो जैसे आप बात करते हैं अपने बच्चे के लिए, वैसे ही पौधे के लिए भी उसकी नर्सरी जो बनाते हैं, पौध जो तैयार करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। तो मिर्ची की पौध अच्छी तैयार करें, उसके बाद उसको 1 से 1.5 फीट की पौधे से पौधे की दूरी पर लगाएँ, जिससे कि पौधे को अच्छा वो जगह मिलेगा, पौधे को फलने में बढ़िया स्पेस मिलेगा, उससे पौधा अच्छा बनेगा और आपका उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा जी मिर्च की खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और विविध किस्मों के मिर्च की आधुनिक खेती के तरीके से भी लोगों को अवगत कराकर कृषक वर्ग को आत्मनिर्भरता की राह दिखा रहे हैं। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने मिर्च की कई किस्में निकाली हैं, जिसकी खेती से किसान खुशहाल जीवन जी रहे हैं। साथ ही अब आधुनिक खेती को भी अपनाया जाने लगा है। वहीं मल्चिंग शीट का उपयोग भी गांव-गांव में देखने को मिलने लगा है। अब मिर्च की खेती पारंपरिक ना होकर आधुनिक शैली को सीख कर लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य में मिर्च की हरियाली देखी जाएगी। किसान भाई हो, एक ठन आपन गाना सुने हो, तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? संगवारी हो, ये मिर्ची की बात है, खाबो तो दिल में लगी, लेकिन ये अर्ली वेराइटी जहाँ तक हमन बात करत हन, ये रेतीली भूमि में, ये पथरीली भूमि में, जी हाँ, एक ठन दूबी नहीं जामा, लेकिन मिर्ची की खेती है बड़ा जोरदार हुआ थे संगवारी हो, बहुत बढ़िया ढंग से हुआ थे। जी हाँ, गोटर्रा दिखा थे, चटर्रा दिखा थे, मुरुम दिखा थे, वहाँ बढ़िया हुआ थे। और कैसे हुआ थे? एमा कमाल है आधुनिक खेती यानी जल प्रबंधन के, और जल प्रबंधन में टपक विधि ला सबसे बढ़िया माने गए हैं। और ओमा कहूँ मल्चिंग सीट बिछा दन मांदा में तो खरपतवार घला नहीं हो ही, और मिर्ची के खेती इतना बढ़िया हो ही जेकर हमन कल्पना नहीं करें। तो आप ये वैरायटी लगावाओ, और का बात है ये लाओ आगे देखथन। विशेष तौर से आज के समय में जो पानी की किल्लत है, तो मिर्ची की फसल के लिए यदि आप बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयोग में लेते हैं तो उससे बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है मिर्ची की फसल के लिए। या किसी भी फसल में आप जाएंगे तो बूंद बूंद सिंचाई विधि यूज करेंगे तो उससे आपको पानी की बहुत बचत होगी और आपकी फसल अच्छी रहेगी। उससे बूंद बूंद सिंचाई का ये भी फायदा रहता है कि जितना पौधे को चाहिए उतना ही पानी जाता है उसको, उतना पानी हम दे सकते हैं नियंत्रण में। और मिर्ची की फसल में विशेष तौर पर पानी की ज़रूरत जो है, जब आप तुड़ाई शुरू करते हैं उसके बाद से, जैसा आपका मौसम जलवायु रहता है, यदि ज़्यादा तापमान है तो उसको ज़्यादा पानी लगेगा, यदि कम तापमान है या ठंडी के दिन है तो उस हिसाब से उसको सिंचाई में आप ड्रिप में कंट्रोल कर सकते हैं और कम पानी में भी अच्छी मिर्ची की फसल ली जा सकती है। किसान भाइयों, एक समय था जब बाहरी राज्यों से मिर्च की विभिन्न किस्में मंगाई जाती थी, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने में सुदूर अंचलों में भी मिर्च की खेती हो रही है, खासकर बस्तर क्षेत्र में, जहां की महिलाओं का तो जवाब ही नहीं। वे समूह बनाकर इस काम को बड़ी तल्लीनता से कर खूब मुनाफा कमा रही है। छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में मिर्च का उत्पादन ज्यादा होने लगा है और इन सब के पीछे मेहनत छुपी है विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों की, जिनमें कृषि पंडित नारायण भाई चावड़ा जी का भी अहम योगदान है, जिनके योगदान से आज लोग सफलतापूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में काली मिर्च की खेती भी कारगर साबित हो चुकी है। यहाँ के कई क्षेत्रों में काली मिर्च के पौधे रोपे गए थे और लंबे इंतजार के बाद अब इसके पौधे बड़े होने के साथ ही इसमें काली मिर्च के फल भी आने शुरू हो गए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ शासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। काली मिर्च, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, विभिन्न प्रकार की किस्में इसमें शामिल हैं। मिर्च सोलेनसी कुल की महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। इसका उपयोग सब्जियों, मसालों, चिली सॉस और अचार के लिए भी किया जाता है, साथ ही साथ सूखी मिर्च और सूखी पाउडर के लिए भी किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने अपने ज्ञान का विस्तार यहाँ की सुदूर अंचलों तक किया है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन की भी पहल रही है कि किसान अब आधुनिक होकर
खेती करें, जिसमें उन्हें सरकारी सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। किसान भाई हो किथे ना, खाना गाना और दाना, यानी खाबे तो शरीर बढ़िया स्वस्थ होते, ये तो शरीर के बात है, लेकिन मिर्ची जहाँ तक हमन बात करा था ना, बढ़िया से खाद ला डालबो तो मिर्ची बढ़िया हुई, मिर्ची के पौधा बढ़िया हुई, उत्पादन बढ़िया हुई। तो एकर लिए खाद प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होते संगवारी हो। खाद प्रबंधन कतका मात्रा में कब कब कैसे कैसे डालना चाहिए, एकरो बारे में आओ जानकारी लेथन। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे थोड़ा पौधे के खान पान से रिलेटेड, उसमें पौधे को कैसे खाद डालना है, क्या करना है। तो हम लोग जब साधारण खेती करते हैं तो उसमें हम पूरे खेत में जो है खाद डालते हैं, विशेष तौर पे जब गोबर खाद डालते हैं किसान भाई, घर की गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब। तो पूरे खेत में जब हम खाद डालते हैं तो उसकी मात्रा भी ज़्यादा लगती है और ख़र्चा भी ज़्यादा बढ़ता है। तो यदि हम बेड बना के मांदा और मल्च लगा के खेती करते हैं तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो हम डालते हैं वो पौधे के पास में जितने क्षेत्र में हमको फसल लगानी है उसी क्षेत्र में लगता है, उसमें खर्चा कम होता है, कम गोबर खाद लगती है और पौधे को जितनी चाहिए उतना ही खाद हमको देना होता है। तो किसान भाइयों, जितना हो सके हम कोशिश करें कि मांदा बनाए पौधों के लिए, अच्छे से उस सीमित क्षेत्र में खाद डालें, अच्छे से गोबर खाद को मिट्टी में मिलाएं और उसके बाद मल्च लगा के और अच्छी पौध तैयार करके लगाएं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि गोबर खाद और जैविक खाद बहुत अच्छा रहता है पौधे के लिए, पर कई बार हमारी जो मिट्टी होती है उसमें सारे ज़रूरत के जो तत्व होते हैं पौधे के वो नहीं मिल पाते हैं। तो जैसा कि हर फसल में अलग अलग पौधे की ज़रूरत के हिसाब से जो रासायनिक खाद उपयोग में लेते हैं, वो भी आप उसी समय पर जब गोबर खाद मिलाते हैं मिट्टी में उसी टाइम जैविक या वो जो रासायनिक खाद होती है उसको भी मिला के उसी समय में एक साथ ढक देना चाहिए मल्च से, और उसके बाद अच्छे से आपको पौध लगा के और इरिगेशन करना चाहिए। और जो हम बात करते हैं सिंचाई की, वो जैसा मैंने पहले भी बताया था, सिंचाई हमको बूंद बूंद सिंचाई मेथड उपयोग में करना चाहिए जिससे पानी की बचत होगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निःशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, सबसे मुख्य बात होती है बीज के चयन। जैसे अच्छा बीज की हमन बात करत थन ना,
वो बीजज में अतका ताकत रही थे कि बीमारी से लड़े के क्षमता आ जा रही थे। ओकर बाद भी मिर्ची के खेती में कहूँ छोटे मोटे रोग लग गए तो ओकर से कैसे बचना चाहिए, काबर रोग है हमार पूरा मेहनत में पानी फेर देते, तो हम ऐसे प्रबंध करें जेकर से रोग लगबे झन करे, लग गए तो ओकर निवारण करें। तो मिर्ची के खेती में का दवाई डारन, कौन कौन से दवाई डारन आवाओ एक जानकारी लेबो। मिर्च की आधुनिक खेती करने वाले कृषक वर्ग आज खुशहाल हैं, क्योंकि इसे अपनाने से पहले उन्होंने इसके बारे में जानकारी बटोरी, जो किसी भी काम को शुरू करने का पहला कदम होता है। वो जो हम 357 मिर्ची की वैरायटी है उसमें जमीन से जुड़े जो जड़ से संबंधित बीमारी होती है, उकठा रोग जिसको विल्ट बोलते हैं, बैक्टीरियल भी होता है वो, फाइटोप्थोरा भी होता है, तो ये जो वैरायटी है वो वैज्ञानिक तरीके से उस वैरायटी में काफ़ी अनुसंधान करके जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी भरता है, बारिश होती है, उन जगहों पे हमने उस मिर्ची की उस किस्म को लगा के और उसको अच्छे से वहाँ पे किसान के खेतों में टेस्ट किया है और वहाँ पाया गया कि उसमें जो है जड़ से संबंधित बीमारियों से वो नहीं मरता है, जिससे कि आपको पौधे की मरने की शिकायत नहीं होगी और वो आपके सफल जीवन के लिए काफ़ी मदद करेगी। दूसरी मिर्ची जो हम बात कर रहे थे 446 की, ये वैरायटी जो है अच्छा वायरस को लेके, जो आज की तारीख में जो पत्ते सिकुड़ने की बीमारी होती है जिसमें पत्ता सिकुड़ता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा इसमें सहनशीलता है, ये अच्छी प्रतिरोध करती है उस बीमारी के लिए। और एक और जो तीसरी मिर्ची की वैरायटी हम किस्म की बात कर रहे थे 285, वो ऐसी मिर्ची है जिसमें जो आज की तारीख में पत्ता सिकुड़न वाला वायरस है, बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छा उसमें सहनशीलता है। उसी के साथ उसमें जो है जो ज़मीन से जुड़ा विल्ट की जो हम अभी बात कर रहे थे उकठा रोग की, उसके लिए भी वो बहुत अच्छी सहनशील वैरायटी है। साल दर साल छत्तीसगढ़ में मिर्च की खेती का पैमाना भी बढ़ने लगा है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कोंडा गांव, बस्तर में भी मिर्च की बहुतायत से खेती होने लगी है, जिससे अब छत्तीसगढ़ कई राज्यों को मिर्च बेचकर लाभान्वित हो रहा है। किसान भाइयों, जब इतना लाभ छुपा हुआ है इसकी खेती में, तो लोग इसे तो अपनाएंगे ही। सबसे अच्छी बात ये है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु मिर्च की खेती के लिए अनुकूल है। मिर्च उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। ये गर्म और आर्द्र जलवायु दोनों ही प्रकार के तापमान के लिए, यानी 20 से 25 डिग्री अंश तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। अत्यधिक बारिश मिर्च के फसल के लिए हानिकारक होती है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल होने के कारण उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छा है। राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मसालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति आ रही है। इस समय मिर्च का उत्पादन अत्यधिक हो रहा है, साथ ही इस क्षेत्र में इतने उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से अब अन्य राज्यों को भी इसकी आपूर्ति की जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ की जलवायु मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल है, शायद इसीलिए यहाँ मिर्च की खेती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और किसानों की जिंदगी में खुशहाली आती जा रही है। स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के जलवायु में जो मिर्ची लगती है और यहाँ के किसानों को जो चाहिए होता है, वो होता है सबसे ज़्यादा अर्ली वेराइटी, जिसमें बहुत जल्दी फलन स्टार्ट हो जाए, सबसे पहले तुड़ई स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जल्दी तुड़ई आएगी तो उसका मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। इसलिए ये ऐसी वैरायटी है जो बाकी सब किस्मों से जल्दी भी है, उसका उत्पादन अच्छा है, और उसका उत्पादन अच्छा होगा तो किसान समृद्ध होगा और आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। तो ये तीनों वैरायटी जो आप देख रहे हैं उनमें 357 जो एक वैरायटी है वो आपके लिए, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, छत्तीसगढ़ में वैसे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश के दौरान
जो उखड़ा बीमारी आती है उसके लिए वो वैरायटी बहुत अच्छी सेंसिल है, और उसका जो फल है वो भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव और उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है, तो वो किसान को लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में और दूर की मंडी में बेचने के लिए भी बहुत अच्छी है वो वैरायटी। तो उससे किसान को दूर तक जाएगा, पैसा अच्छा मिलेगा, तो उसके जीवन में आर्थिक सुधार होगा और किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा तो देश विकास करेगा। ले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तोला ले चल हो रानी बेड़ोड़ा बाजार दिखा के ले आऊं, बोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा, बोला ले चल भी भैया बेड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आवेगा, तोला ले चल हो रानी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तोला ले चल हो गोरी बेड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आऊं, बोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा, बोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा। बैला घेरा ते हवा सो ए नांगर कस बैला घेरा ते हवा सो, माया मोहम फसा के पेरते हवस ना, माया मोहम फसा के पेरते हवस ना, टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी अबिछिया पहना देते हो ना, टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी अबिछिया पहना देते हो, तोला ले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तोला ले चल हो रानी बेड़ोड़ा बाजार देखा के ले आऊं। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो 446-285 के कमाल, किसान हो गए माला माल, चारों मुड़े है मिर्ची के धमाल, संगवारी हो आपो मन है ये अर्ली वेराइटी ला लगावो और लगा के आपन समृद्ध हो, काबर आप मन जब समृद्ध हो किसान भाई तो देश समृद्ध हो ही और आत्मन हाँ आत्मनिर्भर हो। किसान भाई हो आज बस अद के ऐसने नवा नवा गोट बात नवा नवा जानकारी लेके आप मन के सामने हो उपस्थित, दो विदा, जय जोहार।